जिंदगी में कुछ बड़ा करना या बड़ा बनना कुछ लोगों का गोल होता है, लेकिन सवाल ये है कि उनके लिए बड़ा बनना या ग्रेटनेस का डेफिनेशन क्या है और वो उसे हासिल करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ लोग अपना पैसा और समय लगाते हैं इस बड़े बनने के चक्कर में, तो कुछ अपना सुख त्याग कर देते हैं, कुछ लोग हद पार कर देते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी का इसी ग्रेट बनने का पागलपन ने ली 42 लड़कियों का जान। ये कहानी है इंडोनेशिया का सीरियल किलर अहमद सुराजी की, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में डेथ पेनल्टी को वापस लागू किया गया। ये है सीरियल किलर शमन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ विचलित करने वाली क्राइम डिटेल्स है, काले जादू तंत्र मंत्र का उल्लेख भी है। अगर ये सब डिटेल्स आपको परेशान करती है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा ही सही कमेंट लिख दीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी। बात है 24 अप्रैल 1997 की देर रात की। इंडोनेशिया का छोटा सा गांव अमनदमई में रहने वाली 21 साल की केमला देवी 15 साल का एंड्रियास का रिक्शा रोकती है। एंड्रियास रिक्शा रोकता है, केमला रिक्शा में बैठती है, रिक्शा चलने लगता है। काफी देर बाद एंड्रियास केमला से बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि उनका गांव बहुत बड़ा तो था नहीं और सभी लोग सभी को जानते थे। केमला कहती है मुझे दत्तुक के घर छोड़ दो। एंड्रियास को अचंभा लगा और उसने केमला से पूछा इतनी देर रात को तुम दत्तुक के घर क्यों जा रही हो। केमला उसे डांटती है और चुपचाप अपना काम करने की चेतावनी देती है। दत्तुक शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया और मलेशिया में किया जाता है, इसका मतलब होता है रिलीजियस लीडर या फिर कह लीजिए कम्युनिटी का लीडर, मुखिया के जैसे। एंड्रियास केमला को दत्तुक के घर के पास छोड़कर चला जाता है। उसे पता नहीं था कि वो केमला को आखिरी बार जिंदा देख रहा है। उस गांव का दत्तुक था अहमद सुराजी, उस कम्युनिटी का सबसे ताकतवर तांत्रिक। लोग बहुत इज्जत करते थे सुराजी का। गांव वाले ये तक मानते थे कि सुराजी चाहे तो बादल घुमा दे या फिर धरती हिला दे। सुराजी का पैदाइश उसी गांव का था और उसके पिता तांत्रिक थे, जिनका पूरा गांव इज्जत करता था। छोटे सुराजी को अपने पिता के काले जादू और उन्हें मिलने वाली इज्जत दोनों पसंद था। बड़ा होता सुराजी स्कूल में कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाया और छोटे मोटे अपराध में शामिल होने लगा। जब वो सिर्फ 19 का था तब वो पहली बार जेल गया। उसे छोटे मोटे अपराधों के लिए 10 साल का सजा हुआ था। रिहा होकर आने के 2 ही साल में सुराजी फिर से जेल पहुंच गया। इस बार उसने किसी की मवेशी चुराई थी। जब इस सजा से रिहा होकर बाहर आया तो गांव में कोई इज्जत नहीं दे रहा था और कोई भी एक क्रिमिनल को क्यों इज्जत देगा। सुराजी को इज्जत चाहिए था तो उसने अपने पिता के नक्शे कदम में चलने का फैसला कर लिया। शुरू हुआ अहमद सुराजी का तांत्रिक बनने का सफर। पहले तो वो अपने कम्युनिटी का मदद करने लगा काले जादू से। धीरे धीरे गाँव वाले उसे इज्जत देने लगे और तो और उसे दत्तुक मरिंगी कहने लगे। दत्तुक मरिंगी का रफली मतलब है ताकतवर मुखिया। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि गांव वालों को लगता था कि अगर दत्तुक मरिंगी चाहे तो बादल हिला सकते हैं, बीमार को ठीक कर सकते हैं और मरते को बचा सकते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज नहीं जानते थे, वो था सुराजी का एक डार्क सीक्रेट। असल में दत्तुक मरिंगी इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। 1986 में सुराजी को एक सपना आया था और वो सपना उस गाँव के कई औरतें और उनके परिवार के लिए सबसे भयानक दुस्वप्न में बदल गया। सुराजी के सपने में उसका पिता आए थे जो उस समय गुजर चुके थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सबसे महान बनना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें 70 मरे हुए जवान औरतों का सलाइवा यानी थूक खाना होगा, इससे तुम अजय बन जाओगे और तुम्हें शक्तियां प्राप्त होंगी। सुराजी अपने पास अपनी शादी और प्यार की तकलीफ लेकर आने वाली जवान लड़कियों का टारगेट करने लगता है। अब उतने से गाँव में कितनी जवान औरतें आएंगी रोज रोज। लेकिन सुराजी को शक्तियाँ जल्दी चाहिए थी तो सुराजी ने वेश्याओं को भी बुलाया, फिर उनका बलि चढ़ाया। 11 साल तक ये चलता रहा। सुराजी अपने महान बनने की सफर जारी रखा। असल में ये उसके लिए फायदेमंद भी रहा। वो अपने पास आने वाली औरतों का कत्ल के साथ साथ उन्हें लूटता भी था, पैसा का पैसा और शक्तियाँ दोनों। और गायब औरतें चुपके से उसे मिलने आती थी क्योंकि उनकी समस्याएं एक तो उनकी प्रेमी को लेकर होता था या फिर पति का दूसरे औरतों के साथ संबंध को लेकर, और वो तांत्रिक से इसका समाधान पाने के लिए किसी को बिना बताए आती थी। इस वजह से उनके गायब होने पर किसी को सुराजी पर शक नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 41 बलि चढ़ चुका था, अब सिर्फ 29 औरतों का बलि चढ़ाना बाकी था। लेकिन उसकी 42वीं बलि यानी 21 साल की केमला की वजह से उसके काले सच्चाई से पर्दा उठा, क्योंकि केमला ने रिक्शा वाला एंड्रियास को बताया था कि उस रात को वो कहां जा रही है और उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ने अमनदमई की बाकी औरतों का जान बचाई। केमला के गुम होने के 3 दिन बाद यानी 27 अप्रैल 1997 को एक किसान अपने मवेशियों का चारा लाने के लिए गन्ने की खेत की तरफ जा रहा था। उस गन्ने के खेत में उसे एक अजीब सी मिट्टी की ढेर दिखाई दी और उस बात को वो गांव के हेड यानी सरपंच सुगीतो को बताता है, जो सुराजी के पड़ोस वाले घर में रहते थे। सुगीतो कुछ आदमियों के साथ खेत में आते हैं और साथ में सुराजी भी आता है। वो लोग उस मिट्टी के ढेर में लकड़ी घुसा कर देखते हैं। तुरंत ही सड़न की गंदी बदबू फैलने लगती है।
सुगितो पुलिस को इत्तला करते हैं और वो सुगितो को कहते हैं कि खोद कर देखो, अगर इंसान का लाश मिले तो हमें इत्तला करना, हम आएंगे, क्योंकि कोई मरे हुए जानवर को भी दफना सकता है। छह लोग खोदने लगते हैं। सुराज जी कहता है कि अगर भूत हुआ तो डरना नहीं, मैं इधर ही हूँ। दो घंटे खोदने के बाद एक लाश बरामद होता है, एक लड़की की बिना कपड़ों के सड़ा हुआ लाश। पुलिस को तुरंत ही बुलाया गया। लोगों ने सड़े होने के बावजूद लाश को पहचाना, वो थी 21 साल की कैमला देवी। बात गांव में फैलने लगी। रिक्शा ड्राइवर एंड्रियास को भी पता चला। वो तुरंत ही कैमला को उस रात दत्तू के घर छोड़ने की बात बताता है। 30 अप्रैल 1997 को सुराज जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 4 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद सुराज जी सच्चाई उगलता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न थे। उसने बताया कि उसने कुल 42 औरतों का कत्ल किया है और सभी को उसी गन्ने के खेत में दफनाया है जिस खेत में कैमला का लाश मिला। सुराज जी अपने बलि को कैसे अंजाम दिया उसका भी वर्णन करता है। उसने कहा कि जो औरतें उसके पास अपनी तकलीफें लेकर आती थी, वो उन्हें बिना किसी को बताए रात को आने को कहता था, क्योंकि काला जादू सिर्फ रात में असरदार होता है, ऐसा कहता था। औरतें रात में सुराज जी के घर आती थी। सुराज जी उन्हें चुपके से गन्ने के खेत में ले जाता था, उनसे ही एक गड्ढा खुदवाता था, फिर उन्हें उस गड्ढे के अंदर खड़े रहने को कहता था। औरतें खुद अपना कब्र खोद कर खुद अंदर खड़ी हो जाती थी। सुराज जी उन्हें कहता था कि ये एक तरह का रिचुअल है। सुराज जी खासकर उन्हें अपने घर की तरफ मुंह करके खड़े रहने को कहता था, कंधे तक मिट्टी भर के उन्हें हिल डुलने का लायक नहीं छोड़ता था, फिर उनका गला दबाकर उनका कत्ल कर देता था। उसके बाद तुरंत ही उनका मुंह खोलकर थूक खा लेता था, कपड़े उतार कर उन्हें पूरा दफन कर देता था, उन्हें अपने घर की तरफ मुंह करते हुए दफनाता था, क्योंकि सुराज जी को लगता था कि अगर उनकी आत्मा उसकी घर की तरफ देखती रहेगी तो उसे और शक्तियां प्राप्त होंगी। कैमला अपने मंगेतर के साथ हुई झगड़े को लेकर सुराज जी के पास आई थी। वो अपने मंगेतर को वापस पाना चाहती थी और किसी और लड़की के लिए कैमला को ना छोड़े ऐसा कोई उपाय करवाना चाहती थी। जिस रात वो सुराज जी के पास आई थी, उस रात को जब वो गन्ने की खेत की तरफ जा रहे थे, तब वो बहुत डर गई थी और सुराज जी की पत्नी को साथ लेकर जाने की जिद करने लगी, और कैमला की जिद की वजह से उस दिन सुराज जी को अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना पड़ा था। इस तरह उसकी एक पत्नी को सुराज जी का सच्चाई पता लगा। सुराज जी ने अपने शिकार औरतों के साथ बलात्कार किया या नहीं ये साबित नहीं हो पाया है, लेकिन उन्हें बिना कपड़े के दफनाने के पीछे उसने वजह यह बताया कि अगर बिना कपड़े के दफनाया जाए तो लाश जल्दी सड़ जाता है और कंकाल बन जाता है। उसने किसी भी औरत या लड़की या उसके लाश के साथ बलात्कार करने को नकारा। उसने कहा कि मेरी 3 बीवियां हैं और वो मुझे खुश रखती है। सुराज जी के अरेस्ट के बाद सारे मिसिंग रिपोर्ट कंगाला गया और 11 साल में 80 से ज्यादा औरतें और लड़कियां उस गांव से गायब हो गई थी। क्या सुराज जी ने इन सभी का कत्ल किया था या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। बरामद कंकाल 11 साल की बच्चियों से लेकर 30 की उम्र के औरतों के थे। 11 दिसंबर 1997 को सुराज जी का ट्रायल शुरू हुआ। उनके तीनों बीवियों पर कत्ल में सुराज जी का साथ देने का चार्जेस लगे। 27 अप्रैल 1998 को सुराज जी को 42 कत्लों में दोषी पाया गया और उसे मौत का सजा सुनाया गया। तीसरी बीवी तुमिनी को कत्ल में भागीदार माना गया और उसे भी मौत का सजा सुनाया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सुराज जी को 10 जुलाई 2008 को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत दिया गया। ये थी कहानी इंडोनेशिया का सबसे कुख्यात सीरियल किलर शमन की। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।